देवबंद में एक बार फिर गोलियों की आवाज से सनसनी फैल गई और दिन दहाड़े नगर पालिका परिषद देवबंद के भाजपा सभासद धारा सिंह को दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। मृतक मिल में ठेकेदार थे और सवेरे 8 बजे शुगर मिल जा रहे थे। सूचना मिलते ही तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और धारा सिंह को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिछले 4 दिनों में यह दूसरी हत्या है और 4 दिन पहले चौधरी यशपाल सिंह की हत्या का खुलासा अभी तक नहीं कर पाई पुलिस। और आज दिन निकलते ही सरेआम धारा सिंह सभासद को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जहाँ क्षेत्र में खौफ का माहौल अभी तक फैला हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में रोष पनप रहा है। धारा सिंह फिल्म में ठेकेदारी का काम करते हुए और क्षेत्र के बड़े कास्ट कावी थे और सभी लगभग 8 बजे सुगर मिल में जा रहे थे, तभी रणखंडी रेलवे फाटक के निकट पल्सर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चारों तरफ फैले 100 डायल गाड़ियों और कोतवाली चौकी समेत कोतवाली की 3 गाड़ियों के जाल के बावजूद भी बदमाश आराम से फरार हो गए। यह बहुत बड़ा सवाल पुलिस लोगों के ऊपर उठ रहा है। रोलिंग। ये तारा सिंह सना गोपाल सिंह, उम्र 47 वर्ष, देवबंद में सभासद है। इनकी सुबह लगभग 8 बजे के आसपास इनको अज्ञात बदमाशों के द्वारा रणकंडी फाटक में गोली मार के हत्या की गई। CHC में उनको ब्रॉड डेड कहा गया है। अभी बॉडी पोस्टमार्टम है तो सहारनपुर मॉर्चरी भेजा गया है। हम लोग मौके पर सभी परिवार वालों से बात कर रहे हैं, किस वजह से क्या है दुश्मनी संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको रिपोर्ट किया जाए। सर, पिछले एक हफ्ते में दूसरा मर्डर है और एक सत्ताधारी पार्टी के नेता का ही, तो पुलिस इस सिलसिले में क्या है? देखिए, एक ये हम लोग इतना ही गंभीर लिए हुए हैं। पहले वाला घटना मीरकपुर का घटना है, उसमें गाँव के ही 6 लोगों को नामजद किया गया है। उनसे भी लगातार हम पूछताछ कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और ये मर्डर भी अज्ञात में हुआ है। दोनों हत्याओं को बहुत ही गंभीर लिए हुए हैं। हमारी टीम पहले से 3 टीमें यहीं कैंप कर रहे थे और इस बीच में हत्या हुआ है। हम लोग मौके पर भी अभी जाएंगे, सभी पूरा जांच करेंगे और तत्काल इसको खोलने की पूरा कार्रवाई होगी। सर, एक अलग कल ATS की टीम आई थी, इस तरह की जानकारी है, क्या पुलिस को सिलसिले में कुछ पता है क्या? ATS के संबंध में कोई कहीं ना कहीं प्लानिंग इन्वॉल्व हुआ होगा, अपना जो भी कारण से हत्या हुआ है, बट अभी कारण अभी ओपन अप नहीं हुआ। भाई क्या हो गया? चलो भाई, हो गया।